ओम शांति। ओम शांति। अभी परमात्मा को याद करो तो क्या याद करेंगे? वो कौन, भगवान कौन है बताओ? हाँ, कौन है वो, क्या है उसके पास? आपको पूछेंगे आप किसके बच्चे हो, हमारे पिताजी के पास इतनी जमीन है, इतना कार है, मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ, ऐसे कहेंगे ना। तो भगवान के बच्चे क्या, भगवान के पास क्या है? हाँ, उसके पास 8 शक्तियाँ है, सर्वशक्तियाँ मना, उसमें से मुख्य 8 है। एक, भगवान शिव बाबा पवित्रता का सागर, सदा पवित्र है, शांति का सागर, कभी गुस्सा नहीं करते, सदा शांत, आनंद का सागर, सबसे भरपूर भरा हुआ आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, और दुख हरता सुख करता। इसलिए कहते भगवान है मेरा दुख दूर करो, ये सर्वशक्तिवान कहते। कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, ये 8 शक्ति है। और 8वां दिव्य बुद्धिदाता। तो एक एक शक्ति लेके भगवान कौन है, उनके पास क्या है पता होना चाहिए ना। हमारे पिताजी के पास क्या है? अगर जिनके पास वो नहीं, अगर आप कहेंगे तो मिलेगा, मुझे ये करो, मेरी बीमारी ठीक करो, डॉक्टर कहेगा दवाई, डॉक्टर के पास जाओ। भगवान क्या करता है और डॉक्टर क्या करता है? भगवान पतित आत्मा को पावन करता है। उसके पास क्या चीज है? ये 8 शक्तियां है। आराम से बैठ करके अभी आत्मा समझ के परमात्मा से ध्यान लगाना है। तो वो कैसे करना है? जैसे नंबर पता चला, वो कौन है पता चला, अब उसके साथ कैसे जोड़े? आपको तार दिया और कहा इधर करंट है, जोड़ दो। आपको जोड़ना पड़ेगा ना कि मैं जोड़ू? हर एक को करंट चाहिए आपको, तो हर एक को जोड़ना पड़ेगा ना, तब आपके मिटेंगे, ठीक है? तो कैसे जोड़े, ध्यान कैसे लगे, अपने आप नहीं लगता है। दवाई आपको खाएंगे तो आपकी बीमारी मिटाएंगे। तो आराम से आंखें खोल के 10 मिनट बैठना है। अब इसके बाद हम बैठेंगे तो आराम से अभी देखना, सुनना अच्छी तरह से, रिकॉर्ड कर लो अंदर, ध्यान से सुनना। तो इधर उधर बात करते रहेंगे तो याद नहीं रहेगा, फिर कहेंगे योग नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, ऐसे कहेंगे। सुनते समय ध्यान से सुनना 5 मिनट। ये अगर नहीं किया तो सत्संग करके कोई फायदा नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। तो आराम से बैठ के अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूँ, मेरे गुण, मैं जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे पवित्र बनना है, जब मैं आया था कितना शांत शीतल था, जब मैं आया था कितना सुखी था। तो एक एक गुणों को याद दिलाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मस्तक के बीच में बैठकर इन आंखों से देखता हूँ। अभी आंखों से इधर उधर हिलाना नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, शरीर को हिलाना नहीं, शरीर अलग है, कल छोड़ देना है, ये शरीर अलग है। तो मैं क्यों बैठा हूँ इधर? परमात्मा को याद करने के लिए। वो कहाँ है? ब्रह्मांड में, परम धाम में, ऊपर है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर है। तो वो कौन? वो पवित्रता का सागर। देखो हमारा पिताजी कितना पवित्र है और मैं कैसा हूं, फिर ले तो हमारा पिताजी कैसा है, वो सदा शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता है। मैं कौन? मैं भगवान का बच्चा हूं कहते हो, भगवान क्या करता है और मैं क्या करता हूं? कहेंगे, कोई कहेंगे हम भगवान के बच्चे हैं? नहीं। बाप कैसा और बेटा कैसा, देख लो, कंपेयर करो, मांगना नहीं। भगवान कभी गुस्सा नहीं करता है, हमको कहां से गुस्सा है, किसने सिखाया है? तो मुझे जैसे बाप वैसे बच्चे, वो सबको सुख देता है, मैं क्या कर रहा हूं दुख देने वाले को, भगवान के बच्चे कहेंगे? तो एक एक शक्ति लेके बात करो। अगर ऐसे 5-10 मिनट करते हो तो रोज सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक सूर्य उदय होता है, उस समय शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6 से 8 बजे के बीच में 5-10 मिनट ध्यान करना। आराम से बैठो, अपने घर में मंदिर है बैठो, आंगन में बैठो, छत पर जाके बैठो, यहाँ आके बैठो, अच्छा वातावरण चाहिए, जहाँ फोन, दो काम एक साथ नहीं था, फोन भी रखो और ध्यान भी रखो, भगवान से भी बात करो, चलेगा?
हमारी अभी आदत ऐसी हो गई, फोन भी करना चाहते हैं, बात दूसरों से भी करना चाहते हैं, भगवान से भी करना चाहते हैं। हो सकता है दोनों काम, खाना भी खा लो और बात भी करते रहो, दोनों काम होगा, एक होगा। एक घंटे के लिए फोन को बंद करके रखो, अभी फोन का काम नहीं, 24 घंटे यूज नहीं करना है, जरूरी नहीं है। फिर काम उसके अब एक घंटे के बाद फिर करो। तो जब ध्यान में बैठो, फोन भी सब बाजू में रख करके शांत करके आराम से बैठो और अपने आप से बात करो।